हेलो एवरीवन। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी, आप लोगों ने देख लिया है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। और मैं ये गौर कर रहा हूं कि एक्चुअली ज्यादा क्वेश्चन बनाने के चक्कर में वीडियो कम आ पा रहे हैं, तो मैं कम क्वेश्चन के वीडियो बना रहा हूं जिससे कि रेगुलरिटी में वीडियो चल पाए, क्योंकि इतना लंबा समय मिल नहीं पाता है रेगुलरली, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसमें बोल रहा है कि फंक्शन ऑलरेडी डेरिवेबल है, हमने कंटिन्यूटी में भी इस तरह के क्वेश्चन देखे थे। तो फंक्शन अगर डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू जीरो पर, इसका मतलब होगा कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी है। इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, इफ इट इज गिवन दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो, देन इट मस्ट बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। तो पहले कंटिन्यूटी लगा लीजिए। अब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है नहीं, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, मतलब मैं एक बार x इक्वल टू जीरो के लिए कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूं। जीरो प्लस चेक नहीं कर रहा हूं, मतलब पुट अप कर रहा हूं, क्योंकि ये ऑलरेडी कंटिन्यूस है एंड इक्वल टू जीरो। सो जीरो प्लस पे ये फंक्शन होगा। दोनों ही इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। मैंने यहां पे जीरो रखा तो माइनस वन टू दी पावर टू, सो इट इज बी। जीरो माइनस जीरो छोटा, जीरो पुट करें सो इट इज ई टू दी पावर जीरो प्लस ए इंटू जीरो। सो दिस इज जीरो, दिस इज वन, एंड एग्जैक्टली जीरो पर भी बी आ रहा है। They all are equals, so b will be limiting value of b will be 1, ठीक है। तो b की value 1 हो गई है, तो answer जो होगा वो या तो b होगा या c होगा, a कॉमा b पूछ रहा है। Then differentiability, तो derivable lsd rsd लें, तो 0 plus 0 minus 0 plus 0 से बड़े के लिए ये function है, इसका differentiation कर लेते हैं, तो हमें rsd मिल जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ बी टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वन, एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस वन इज वन, ठीक। नाउ पुट एक्स इक्वल टू जीरो, सो इट इज माइनस टू बी, एंड द सेम एज फॉर जीरो माइनस इट इज एल एस डी। तो व्हाट इज एल एस डी? एल एस डी जीरो माइनस, फंक्शन ये है, इसका डिफरेंशिएशन कर लें, तो ई टू द पावर एक्स प्लस ए, देन पुट एक्स इक्वल टू जीरो, सो ई टू द पावर जीरो इज वन, सो वन प्लस ए, एंड एल एस डी इक्वल टू आर एस डी बिकॉज फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, सो यस वी कैन से 1 प्लस ए इक्वल टू माइनस टू बी। बच्चों b की वैल्यू 1 है, 1 पुट करेंगे माइनस टू आएगा, 1 इधर आएगा, तो a की वैल्यू माइनस थ्री। सो आंसर विल बी माइनस थ्री कॉमा वन, बी ऑप्शन इज आ राइट आंसर। मेरे ख्याल सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, आइए आगे बढ़ते। देन इसको देखें, बोल रहा है कि फंक्शन जो है x इक्वल टू वन का फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशियबल है, चेक करना है। बिल्कुल चेक करते हैं। एट x इक्वल टू वन, 1 माइनस एल एच एल, 1 प्लस एंड इक्वल टू 1, 1 से छोटा, 1 से छोटे के लिए फंक्शन ये है, इसमें इसको ले लिया, इसमें 1 पुट कर दिया, सो इट इज 0, 1 प्लस 1 से बड़े के लिए फंक्शन ये है, सो इट इज एक्स क्यूब माइनस 1, इसको लेके 1 पुट किया, यस इट इज ऑल्सो इक्वल टू 0, एंड एग्जैक्टली 1 के लिए भी सेम फंक्शन है, तो 1 माइनस 1 ऑल्सो 0, तो फंक्शन कंटिन्यूस है, ऑलरेडी है। देन एल एस डी एंड आर एस डी के लिए चेक करते हैं, तो 1 माइनस एंड 1 प्लस एल एस डी एंड आर एस डी, तो 1 प्लस, देखो हमने पहले से बताया हुआ है कि आपको कब एल एस डी आर एस डी वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर बॉक्स है, फ्रैक्शन है, सिग्नम है, बॉक्स फ्रैक्शन सिग्नम, चलो इसमें भी अगर आप नहीं लगाएं, ये दिमाग में रखना कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है, या कोई ऐसा पॉइंट पे आप एलएसडी आरएसडी चेक करने वाले हैं जिस जो फंक्शन के डोमेन में मैं नहीं रखता, डोमेन का पार्ट नहीं है, तो आपको एलएसडी आरएसडी का फॉर्मूला लगाना पड़ता है जनरली, ठीक है। वन माइनस, वन से छोटे, वन से छोटे के लिए ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन, तो यस इट इज वन, एंड 1 प्लस 1 से ग्रेटर के लिए ये फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सो डी वाई बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 1। बेसिकली आर एस डी का मतलब क्या है? राइट हैंड डेरिवेटिव। तो हम डेरिवेटिव कर रहे हैं लेकिन 1 के जस्ट राइट का, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर, अगर आप 1 की तरफ 1 प्लस की तरफ अप्रोच करेंगे तो ये 3 की तरफ अप्रोच होगा। एल एस डी नॉट इक्वल टू आर एस डी, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशियबल, बी ऑप्शन सही है। आपको समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, आइए आगे बढ़ते। नाउ दिस वन, अब इसमें डाउट आता है कि फंक्शन क्या है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस तो हो गई, मॉड कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं बनाता किसी फंक्शन को। अगर आपको फिर भी चेक करना हो तो, क्योंकि जीरो पे ही मॉड के अंदर की वैल्यू जीरो हो रही है, तो जीरो पे चेक करना पड़ेगा, बाकी सब जगह तो कंटिन्यूअस डिफरेंशियल होगा,
शार्प और ना मॉड के अंदर की वैल्यू जहां जीरो हो रही होती है वहीं पर होता है, हो सकता है जीरो माइनस जीरो प्लस इक्वल टू जीरो माइनस पे मॉड के अंदर की वैल्यू निगेटिव, मॉड ओपन माइनस साइन बाहर, एक्सटेंडिंग टू जीरो पे जीरो, जीरो प्लस पे मॉड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव, डायरेक्ट मॉड ओपन एक्स की वैल्यू जीरो पे जीरो, और एक्जेक्टली जीरो पर भी वैल्यू जीरो है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब आपको चाहिए एलएसडी एंड आरएसडी, तो एलएसडी एंड आरएसडी जीरो माइनस जीरो प्लस, ठीक है बच्चों। अब जीरो माइनस करेंगे तो डेरिवेटिव किसका होगा, माइनस एक्स क्यूब का होगा बच्चों, मॉड हटा के, सो इट इज माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, नाउ पुट एक्स इक्वल टू जीरो, इट इज विल बी जीरो 100%। सिमिलरली डिफरेंशियबल जीरो प्लस मॉड डायरेक्ट ओपन, डिफरेंशिएशन इज थ्री एक्स स्क्वायर, आप देख सकते हैं फंक्शन अभी भी एलएसडी भी आरएसडी के बराबर आ रहा है, तो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशियबल भी है। तो बी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, ए सही है। अब फंक्शन की रेंज, तो फंक्शन की रेंज में यहां पे जीरो पर क्लोज होना चाहिए था क्योंकि मॉड लगाए नेगेटिव होगा नहीं, जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, तो यहां पे जीरो पे अगर क्लोज लगा होता तो आंसर डी ऑप्शन भी होता, यहां पर ए ऑप्शन, ठीक है बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं। देन बोल रहा है कि हमें एफ डैश टू प्लस और एफ डैश टू माइनस निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। हमारे पास एफ एक्स है मॉड ऑफ एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस, ठीक है बच्चों। आओ एल एस डी आई एस डी डायरेक्ट निकालते हैं, पहले मॉड हटाना है, तो मॉड कैसे हटेगा, टू माइनस टू प्लस, मैं एल एस डी, भाई मॉड लगने से फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं होता, ठीक है, केवल डिफरेंशियबिलिटी ही चेक करनी है। तो टू माइनस टू से छोटा मान लो 1.9, देखो मॉड के अंदर की वैल्यू नेगेटिव है पॉजिटिव है उस हिसाब से चलेंगे, तो 2 माइनस मान लो 1.9 रखेंगे क्वांटिटी नेगेटिव, 1.9 रखेंगे क्वांटिटी नेगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, तो मॉड के अंदर की वैल्यू ये नेगेटिव है ये नेगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, मॉड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो मॉड डायरेक्ट ओपन, तो मॉड डायरेक्ट ओपन होगा, सो इट इज एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस, सो दैट इज नथिंग बट टू एक्स माइनस फाइव, देन पुट एक्स टेंडिंग टू टू, सो फोर माइनस फाइव इट इज माइनस फाइव, ओके। देन टू प्लस टू प्लस 2.1 रख लेते, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव, नेगेटिव है मॉड ओपन माइनस साइन के साथ, तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, डिफरेंशिएशन वगैरह करके यहां पर माइनस टू एक्स प्लस फाइव आ जाएगा, नेचुरल सी बात है आंसर वन आएगा। तो एलएसडी हमसे पहले क्या बोला है, आरएसडी एंड देन एलएसडी रेस्पेक्टिवली, तो टू प्लस का आंसर आया वन, टू का माइनस मतलब वन कॉमा माइनस वन आंसर होगा, ए ऑप्शन सत्य है, इट इज नॉन डिफरेंशियल, बट हमसे पूछा ही नहीं है, हमें एलएसडी आरएसडी रेस्पेक्टिवली पूछी है, सॉरी आरएसडी एलएसडी रेस्पेक्टिवली पूछी, ठीक है। आइए और आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब इसमें कंटिन्यूटी है डिफरेंशियबिलिटी है, जीरो और वन पे बात कर रहा है, ठीक है, तो पहले जीरो पे चेक कर लेते हैं, ठीक है, हम कंटिन्यूटी पहले चेक कर रहे हैं जीरो पे, जीरो माइनस जीरो प्लस और इक्वल टू जीरो, जीरो माइनस जीरो छोटे के लिए ये है, तो ई की पावर जीरो माइनस अप्रोचिंग टू वन होगा, जीरो प्लस जीरो से जरा सा बड़ा रखा, मान लो 0.1 0.1 यहां पर रखेंगे क्वांटिटी क्या होगी पॉजिटिव, मॉड ओपन डायरेक्टली एक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे आंसर बना रहा है, और एग्जैक्टली जीरो अगर हम रखें तो ई की पावर जीरो भी वन होता है, तो यस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, पहली बात तो ये कह रहा है कंटिन्यूअस है जीरो पे बिल्कुल है, ये तो क्लियर। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूटी की, बात करते हैं वन माइनस वन प्लस एंड इक्वल टू वन, ठीक है, पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, जो डिसकंटिन्यूअस होगा उसमें नॉन डिफरेंशियबिलिटी अपने आप हो जाएगी, ठीक है। तो वन माइनस वन से छोटे के लिए मान लो वन से छोटा 0.9 रखा, 0.9 क्वांटिटी क्या है पॉजिटिव, वन माइनस 0.9 क्वांटिटी पॉजिटिव, मॉड डायरेक्ट ओपन वन पुट करेंगे जीरो आ रहा, वन प्लस वैसे मॉड लगा है, मॉड के अंदर की वैल्यू जीरो हो रही है वन पे, मॉड कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं बनाता है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि भाई कुछ भी कर लो कंटिन्यूअस तो हो गई, ठीक है, वन माइनस, ठीक है, तो दोनों ही कंटिन्यूअस। अब डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात करते हैं, तो जीरो पे हमने डिफरेंशियबिलिटी चेक की, जीरो माइनस जीरो प्लस एल एस डी एंड आर एस डी, जीरो माइनस
जीरो से छोटे के लिए e की पावर x, तो डिफरेंशिएट किया तो e की पावर x का e की पावर x, जीरो पुट किया तो वन, जीरो से जरा सा बड़ा रखा, जीरो से जरा सा बड़ा 0.1, क्वांटिटी पॉजिटिव थी, मोड डायरेक्ट ओपन हुआ तो dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन होगा 1 माइनस एक्स का, इट इज माइनस वन, एल एस डी नॉट इक्वल टू आर एस डी, इट इज नॉन डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये गलत हो गया, कंटिन्यूस है x इक्वल टू वन पे, बिल्कुल है, ठीक है। देन डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेते हैं, 1 माइनस 1 प्लस, दिस विल बी एल एस डी एंड दैट विल बी आर एस डी, 1 प्लस 1 माइनस 1 से पहले 0.9, 0.9 रखा, क्वांटिटी पॉजिटिव है तो डिफरेंशिएशन होगा किसका, 1 माइनस एक्स का, सो यस इट इज माइनस 1, एंड 1 प्लस अगर हमने रखा 1.1 अप्रोक्सीमेट, तो क्वांटिटी क्या हो गई बच्चों, नेगेटिव हो गई, क्वांटिटी अगर नेगेटिव है मॉड ओपन होगा माइनस 1 प्लस एक्स का, तो डिफरेंशिएशन आ रहा है 1, तो एल एस डी नॉट इक्वल टू आर एस डी, इट इज नॉन डिफरेंशियबल, तो फंक्शन दोनों में ही फंक्शन क्या है, केवल कंटिन्यूस है वो 0 और 1 पे, और नॉन डिफरेंशियबल है 0 और 1 पे, ठीक है। तो आंसर विल बी बी एंड डी। आइए आगे बढ़े, देन अब इसको देखें, बोल रहा है क्या कि फंक्शन विच इज कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स एंड डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो पहली बात हर फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है, एक्सेप्ट देन बॉक्स फ्रैक्शन सिग्नम, बॉक्स फ्रैक्शन सिग्नम को छोड़ के हर फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है, लेकिन इसने डोमेन में नहीं बोला, उसने कहा है ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, तो भाई ये तो वैसे ही हट गया क्योंकि इसमें जीरो नहीं रख सकते, ये हट गया, ये भी हट गया क्योंकि ऑल रियल एक्स में निगेटिव भी आ जाएगा और रूट एक्स है, एक्स की वैल्यू निगेटिव नहीं रख पाएंगे, तो ये दोनों हट गए, ये बच गया और ये बच गया, अब इसमें कंटिन्यूस होना चाहिए, तो मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ आपने देखा है, मैंने फिर से बोल रहा हूं मॉड कभी भी डिसकंटिन्यूस नहीं बनाता, तो ये भी कंटिन्यूस है, ए और सी दोनों ही कंटिन्यूस हैं, अब ये डिफरेंशियबल है कि नहीं जीरो पे, वो चेक कर लीजिए, तो इसको चेक कर ले, जीरो माइनस जीरो प्लस, ये तो साइन एक्स है, साइन एक्स कहीं शार्प कॉर्नर नहीं देता, तो जीरो पे क्यों देगा, मॉड वॉड कुछ लगा नहीं है, तो ये तो आंसर है। अब इसको देख लेते हैं, एल एच डी, एल एच डी जीरो माइनस के लिए मॉड ओपन होगा माइनस साइन के साथ, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो ये माइनस वन होगा, और ये जीरो प्लस के साथ क्वांटिटी डायरेक्ट पॉजिटिव होगी, मॉड डायरेक्ट ओपन ये वन होगा, तो एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एस डी, सो यस इट इज कंटिन्यूस एंड ऑल्सो डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है बच्चों। तो मेरे ख्याल से सब लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।